इसमें हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जी हाँ, इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि अक्षय कुमार के मिशन मंगल ने मार्स पर चढ़ाई कर दी है। वो इसलिए क्योंकि कलेक्शंस इसके धमाकेदार नजर आ रहे हैं और हेटर्स पता नहीं कहाँ गायब हो चले हैं। ढूंढने से भी एक हेटर मिल नहीं रहा है जो ये कमेंट करे कि भैया सूर्या ये कलेक्शन तो इतना ही है बे, 135 करोड़ के ऊपर अक्की की फिल्में कहाँ काम आती है। ये जो बोलने वाले हेटर्स थे ये गायब हो चले हैं, किसी का एक कमेंट भी नहीं आ रहा है, ना तो मेरे यूट्यूब पर, ना तो मेरे इधर ट्विटर पर, कहीं नहीं आ रहा, बिकॉज दे नोस कि फिल्म बढ़िया चल रही है। And that's what I want. अच्छी फिल्में अच्छी चलनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कलेक्शंस की। पहले दिन में 29.16 करोड़, यानी कि लगभग 29 करोड़। दूसरे दिन 17.28 करोड़, 17 करोड़। तीसरे दिन 23.58 करोड़, लगभग 23.5 करोड़। चौथे दिन 27.54 करोड़, यानी कि 27.5 करोड़। पांचवे दिन 8.91 करोड़, लगभग 9 करोड़ के आसपास। छठे दिन 7.92 करोड़, लगभग 8 करोड़ के आसपास। और सातवें दिन 6.84 करोड़, लगभग 7.5 करोड़ के आसपास। और इसके अलावा आठवें दिन 6.93 करोड़, लगभग 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन आया। सातवें से आठवें दिन में लगभग 9 लाख का ग्रोथ था। और नवे दिन का कलेक्शन 7.83 करोड़, और इसमें भी काफी हद तक ग्रोथ था आठवें दिन के हिसाब से, 90 लाख का ग्रोथ, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात थी। और कल दही हंडी के हिसाब से जो दसवें का कलेक्शन आया है वो आया 13.32 करोड़, जो एकदम कमाल का कलेक्शन, 13.32 करोड़। और आपको अब बताता हूं इसका टोटल कलेक्शन कितना हुआ है, 149.31 करोड़। जी हाँ, 149.31 करोड़। कल मैंने जब रात को एस्टिमेट्स बताया थे तब मैंने यही कहा था कि ये फिल्म मिस है ना, टच एंड मिस है, 150 करोड़ को टच एंड मिस, मतलब या तो छू लेगी या तो उसके आसपास ही होगी। लेकिन मैंने ये जरूर आया कि मेरे ख्याल थोड़ा सा कमी होगा। सो उसी तरह से कलेक्शन आया, 149.31 करोड़ आया है, जो बहुत ही अच्छे कलेक्शन है। और उम्मीद करते हैं आज का भी जो मैं प्रेडिक्शन है वो पूरी तरह से सही हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और किसी को भी किसी हेटर के कमेंट दिखे तो जरूर बताइएगा। वैसे दिखने वाले है नहीं, बिकॉज एवरीवन इज लाइक अंडर द डोर, बिहाइंड द डोर। अब सामने आके बोलने की किसी की हिम्मत नहीं बची, क्योंकि अक्षय कुमार ने 135 करोड़ के आंकड़े को दो बार जो है पिछले छह महीने भी नहीं बताए। केसी ने 150 करोड़ के आसपास कमाई की, और ये 150 करोड़ जिस पहुंचेगी आज पहुंची गई होगी, और ये बहुत ही आगे जाने वाली है। इसके बाद वाले हाउसफुल फो आने वाली, गुड न्यूज आने वाली है, सूर्यवंशी आने वाली है, लक्ष्मी बम आने वाली, तो यहां पर बम फटने वाले हैं, जो भी आप बम समझ लीजिए। चलिए फिलहाल कितना है।